तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं लाइक जो CCNA का आप सर्टिफिकेट ले लेते हो या AWS क्लाउड का सर्टिफिकेट ले, यानी किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट आपने ले लिया है, क्या वो कंपनी जब आप किसी में अप्लाई करते हो क्या वो सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन करते हैं। अगर आपने किसी भी तरीके कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करा है तो क्या कंपनी उसका भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं कि बंदे ने फेक तो नहीं बनवा लिया या रियल है इस तरीके। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें बताऊंगा कुछ फैक्ट के बारे में, कुछ इसके रियलिटी के बारे में कि इसकी सच्चाई होती क्या। तो ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। एंड दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो वहां पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। दोस्तों पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो CCNA का सर्टिफिकेट होता है या क्लाउड का सर्टिफिकेट होता है या MCSA का सर्टिफिकेट होता है या लिनक्स वगैरह का या अदर कोर्सेज हैं, अगर आपने अकाउंटेंट्स में ले रखा है, टैली वगैरह का ले रखा है या किसी और फील्ड में अगर आपने ले रखा, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब वो वैलिड तभी माना जाता है जब आपने उसका एग्जाम क्वालिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने कहीं भी इंस्टीट्यूट से कहीं से वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद में क्या होता है कि वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाता है। एंड इसका जो एक एग्जाम होता है CCNA का या CCNP या CCIE जो भी जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनका जो एग्जाम होता है उसमें एक वैलिड ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि अराउंड जो 3 साल के लिए वैलिड होता है वो उसमें, तो वो हमेशा वो गूगल पे सर्च रिजल्ट में रहता है। सर्च रिजल्ट इन द सेंस कि अगर कोई बंदा चाहे तो उसको वहाँ पे टाइप करके सिस्को के साइट पे जाके वो चेक कर सकता है ये वैलिड है कि नहीं, या एक्सपायर हो गया या क्या है, कहीं फेक तो नहीं है। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे अब बात करूँगा, जो आपको इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिलता है तो वो इतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता है। कई कंपनीज, मतलब कि कई कंपनीज तो नहीं मैं यहाँ पे बोलूँगा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सर्टिफिकेट को वो वैलिडेट नहीं करती हैं, वो सर्टिफिकेट को वो लोग नहीं मानते, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मान लेते हैं। एंड कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो उनका सर्टिफिकेट पे एक नंबर होता है जो गूगल में सर्च, जो उनकी वेबसाइट पे जाके अगर वो सर्च करोगे तो वो वहाँ पे शो कराएगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। पहला कि आप इंस्टीट्यूट में जाके पैसे दे के तो बनवा लोगे, फॉर एग्जांपल आपकी अगर 20,000 इंस्टीट्यूट की फीस है, आप बोल लोगे मैं 25,000 दे दूंगा, मुझे केवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग वहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं, दे देते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम का होता है जो CCNA वगैरह का, तो वो आपको एग्ज़ाम में बैठ के क्वालिफाई करके एंड उसके बाद मिलता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर सारी पता चल जाती हैं। और इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने इस इंस्टीट्यूट से किया या इंडिया में कहाँ से किया है, चाहे वो दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, कोई सी भी सिटी से आपने किया हो, आपने अगर एग्ज़ाम निकाल दिया है तो वो ग्लोबली वैलिड होता है, वो माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट से आप बनवा के जाओगे जो लोकली बनाते हैं वो लोग, तो वो वैलिड MNC कंपनी में तो होता ही नहीं है। मैं बता दूं कि जी हाँ, वो अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा किया है तो वेरिफिकेशन उसका ज़रूर करते हैं और 100% करते हैं। बाकी आप चाहो तो सर्टिफिकेट जो एग्ज़ाम वगैरह का होता है आप थोड़ा सा माइंड का यूज़ करके, तो वो भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आज के दिनों में ऐसा हो गया कि पैसा फेंको तो कुछ भी हो सकता है, सारी काम भी हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो वो भी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्या कैसे होगा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साफ साफ तो नहीं बोलूँगा, बाकी आप समझ जाओ कि चीज़ें सारी पॉसिबल हैं और चीज़ें सारी हो भी जाती हैं, वो कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पर हो। एक बार अगर सिस्को की साइट पे वो शो कर गया तो समझ लो वो उतने साल के लिए वो वैलिड हो गया जिस उसका पीरियड होता है। किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट वहीं पे जाके वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो वेबसाइट है, जो डेटा है, वो सिस्को के साइट पे ही मैनेज होता है, जो सिस्को के एम्प्लॉय हैं वही मैनेज करते हैं। यहाँ पे मैं सिस्को की ना बात करी, कोई सी भी अगर लिनक्स की, MCSA की या सावा का या किसी भी तरीके के मैं सर्टिफिकेशन कोर्स की बात करूँ तो वो सारी चीज़ें वो उनके एम्प्लॉय मैनेज करते हैं, उनके वेबसाइट ऑनर मैनेज करते हैं, तो चीज़ें हो भी जाती हैं। बाकी आप देख लो, समझ लो किस तरीके से करवाना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो गया हो। इसके बाद भी अगर आपको कॉमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पर ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। एंड वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। और आपको सब्सक्राइब कर भी लेना चाहिए क्योंकि इस पर जॉब्स, टेक्नोलॉजीज़,
एंड एक्सपीरियंस के बारे में वीडियोस आती रहती हैं। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।